अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, वेलकम करते हैं आपका अपने चैनल पर। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है जी आलमंड केक की। ड्राई केक भी इसको कहते हैं और इसको हम बनाने लगे हैं विदाउट ओवन। तो ओवन के बगैर केक बनाना बहुत सिंपल, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है, सॉफ्ट बनता है। तो आपने क्या करना है, इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई करना है। जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इसका रह ना जाए। चले जी आज की रेसिपी हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एक कप मैदा ले लेना है जिसे अच्छे से छान लेना है। फिर आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करना है 1 टीस्पून। 1/3 कप आपने इसके अंदर आलमंड पाउडर शामिल करना है, यानी कि आपने बादाम लेने हैं, उन्हें अच्छे से जो है ना ग्राइंड कर लेना है, चॉप कर लेना है कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है जी। तो इनकी मिक्सिंग हो गई है जी। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने साइड पे कर देना है। अब एक दूसरा बॉल ले लें, उसके अंदर आपने शामिल करना है अंडे की सफ़ेदी। 2 अंडे लिए हैं, उनकी सफ़ेदी हमने शामिल करनी है। जर्दी आपने सेपरेट कर लेनी है। पहले आपने सफ़ेदी को बीट करना है। काम ये मैंने किया है बीटर से। अगर आपके पास बीटर मौजूद नहीं है तो आप बिस्किट से भी कर सकते हैं, लेकिन बीटर से क्या होगा, ये अच्छे से बीट हो जाएगी। और आपने इसे इतना बीट करना है कि ये जो है ना वाइट फॉर्म की शक्ल में हो जाए, यानी क्रीमी सी वाइट सी हो जाए। ठीक, अच्छे से आप इसको बीट करते जाए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इसे कितना बीट करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। आपने इसे हाई स्पीड पे बीट करेंगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा। तो ये देखें जी, अच्छे से बीट हो गया, बहुत ही ज़्यादा फोमी सी इसकी ना शक्ल आ गई है। अब आपने इसके अंदर जो है अंडे की जर्दी शामिल कर देनी है। 2 हमने अंडे लिए थे तो उसकी जर्दियाँ भी 2 ही हैं। अच्छा, अंडे की जर्दी आपने इसमें शामिल करके इसे सिंपली जो है ना 1 मिनट के लिए बीट करना है। ये देखें जी, ये आराम से कितने अच्छे से बीट हो जाएगा जी। तो अंडे की जो जर्दी है वो भी इसके अंदर अच्छे से बीट हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी जो है मैंने ली है 1/3 कप। अगर आप ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते, बटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बटर आपने 100 ग्राम लेना है, लेकिन अगर आप ऑयल भी यूज़ करेंगे तो ये उससे भी बहुत टेस्टी बनेगा। 3/4 कप आपने शुगर लेनी है, यानी चीनी जो है पाउडर फॉर्म में लेनी है, लेकिन पहले आपने हाफ डालनी है, उसे बीट कर लेना है। जब वो अच्छे से बीट हो जाएगी, जो रिमेनिंग रहेगी है फिर हम वो डालेंगे। इकट्ठे आपने नहीं डालनी, इस ना पार्ट्स में डिवाइड करके डालने से क्या होता है, मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। मिक्सिंग अच्छी होगी तो आपका केक यकीनन बहुत अच्छा बनेगा। जो बाकी रह गई थी वो भी हमने इसके अंदर ऐड की। चीनी की जो क्वांटिटी है आप देख के डालिएगा, क्योंकि आगे हमने इसमें हनी का भी इस्तेमाल करना है। ये ना हो आप बहुत ज़्यादा चीनी शामिल कर दें तो केक बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। चलें जी, 3/4 कप इतनी क्वांटिटी के लिए इनफ रहती है जी। तो चीनी भी इसके अंदर अच्छे से हमने बीट कर ली है। कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं कितना ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब आपने इसके अंदर वनीला एसेंस शामिल कर देना है 1 टीस्पून। अगर आपके पास आलमंड एसेंस मौजूद है तो वो भी आप डाल दें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दूध आपने शामिल करना है 1/4 कप। दूध हमने जो लिया है वो रूम टेम्परेचर पे था। और एक बात और मैं स्टार्ट में बताना भूल गई, अंडे भी आपने रूम टेम्परेचर पे ही लेने हैं। फ्रिज से निकले हुए अंडे इस्तेमाल करेंगे, केक आपका बिल्कुल भी अच्छे से बेक नहीं होगा, बल्कि वो फूलेगा ही नहीं, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलें जी, इसको भी हमने इसमें अच्छे से बीट कर लिया। अब ये ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना इतनी थिक नहीं रही है, बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म में हो गया। अब हमने इसके अंदर जर्दे का रंग यानी ऑरेंज कलर डालना है, तकरीबन 2 चुटकी। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे ना इससे इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा, तो आप भी ऐड कर लीजिएगा। इसका कलर थोड़ा डार्क आएगा, जिस तरह बेकरी का होता है। बेकरी के केक आपने देखे ही होंगे, उनका कलर जो है डार्क होता है। चलें जी, अब आपने इसके अंदर जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स स्टार्ट में मिक्स किए थे वो डालने हैं। सारा एक साथ नहीं डालना, स्टार्ट में मैंने 4 टेबल स्पून डाला था, यानी कि आपने हाफ डाल के पहले इसे फोल्ड करना है, देन उसके बाद जो हाफ रह जाएगा वो डालकर फोल्ड करेंगे। ठीक, यहाँ पर आपने बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, स्पैचुला की हेल्प से आपने फोल्ड करना है। और आपने फोल्ड करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि आपने एक ही डायरेक्शन यूज़ करनी है, यानी अगर आप लेफ्ट साइड से फोल्ड कर रहे हैं तो लास्ट तक आपने लेफ्ट साइड से ही फोल्ड करना है। और फोल्ड करते हुए दूसरी बात का जो आपने ध्यान रखना है ये कि इसमें कोई ड्राई पार्टिकल मौजूद नहीं होना चाहिए, अच्छे से बस आपने इसकी फोल्डिंग करनी है जी। तो ये देखें, यहाँ पर फोल्ड हो गया है। अब जो बाकी रह गया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे जी। तो जो रिमेनिंग है हमने उसको भी इसमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें मेरे चैनल का लिंक, और उन्हें भी कहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, ये देखिए जी, इसकी फोल्डिंग हम कर रहे हैं अच्छे से, बस आपने फोल्ड करना है ना। ये देखें, आपको अभी इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल इसका बैटर जो है ना अच्छा सा बनेगा, थिक सा बनेगा, यानी बहुत ज़्यादा रनिंग फॉर्म में नहीं होगा। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा। चलें जी, ये देखें जी, काफ़ी हद तक जो है हमारा बैटर जो है अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो गया है, रेडी हो गया है।
और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछा करें, इंशाल्लाह ताला आपको आंसर करेंगे। चलिए जी, बैटर हमारा रेडी था। अब आपने इस तरह मोल्ड ले लेना है, यानी कि जो सांचा होता है उसको आपने ग्रीस कर देना है। पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर बटर पेपर लगाना है। बटर पेपर की शेप को ज़रूर इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे सीजर नहीं मिल रही थी, तो बस मैंने जो है ना हाथ से इस तरीके से जो है ना इसको शेप दे ली थी। चलें जी, बटर पेपर भी हमने इसके अंदर प्लेस कर दिया है। इसके ऊपर भी आपने ऑयल लगाना है, ऊपर ऑयल लगाना नहीं भूला करें, ठीक। इसके ऊपर भी हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया है। अब आपने बादाम लेने हैं, उन्हें बीच में से आपने कट करके ना, यानी एक बादाम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और इस पर लगा देना है। अच्छा, मैंने जो है ना बादाम जो है बहुत ज़्यादा नहीं लगाए थे, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं जब बैटर डालूंगी ना तो ये नीचे सेट ही रहेंगे। मुझे था कि ये ना आपस में मिक्स हो जाएंगे और जो है ना, यानी जो डिज़ाइन है ना वो इसका ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल सेट रहे थे। तो इस तरह जो है जी, हमने बादाम इसमें सेट कर दिए थे, बैटर इसमें डाल दिए थे। देखिए, मैं बैटर डाल रही हूँ, बादाम जो है ना अपनी जगह पर ही सेट है, और जब बेक करने के बाद आपको दिखाऊंगी जी ये नीचे से किस तरह का लग रहा था। चलें जी, सारा बैटर हम अच्छे से नीट करके डालेंगे ताकि वेस्ट ना हो, थोड़ा सा डैप डैप करेंगे। चलें जी, अब ये बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। अब आपने क्या करना है जी, एक पतीला ले लेना है, उसको आपने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर जो है प्री हीट करना है। उसके अंदर आपने ये मोल्ड रख देना है केक का, अच्छे से आपने इसे कवर कर देना है ताकि हीट बाहर ना निकले, ठीक। 45 मिनट के लिए आपने इसे बेक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर जी। तो टोटल मैंने 45 मिनट्स बाद ही चेक किया था। इसके अंदर आप इस तरह वुडन स्टिक, नाइफ, किसी भी चीज़ से चेक कर लेंगे, ड्राई बाहर आएगी तो इसका मतलब है केक आपका बेक हो गया है जी। तो केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया था। अब आपने क्या करना है, इसे निकाल लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब आपने नाइफ़ की हेल्प से इसे इस तरह साइड से निकाल लेना है। अगर आप गर्म केक के ऊपर नाइफ चलाएंगे ना, तो ये साइड से टूट जाएगा और इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि केक ठंडा होना चाहिए। जैसे ही केक ठंडा हो गया था, तो इस तरह हमने इसे निकाल लिया था। इस तरह आप इसके ऊपर प्लेट वगैरह रख लें, इसे आपने टर्न करना है, और इसका जो बॉटम है यानी इसके नीचे के ऊपर आपने 2-3 दफ़ा डैप डैप करना है ताकि आसानी से निकल आए जी। तो ये देखें जी, केक हमारा प्लेट के अंदर आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये बेक हुआ है। अब आपको बटर पेपर उतार कर दिखाएंगे। ये देखें कितना अच्छा बेक हुआ है, और बादाम भी अपनी जगह पर मौजूद है, ये सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे ना, तो हमने इसके अंदर काफ़ी सारा बादाम जो है ना डालने हैं। अभी हमने शहद लिया है 2 टेबल स्पून। अच्छा, इसके ऊपर लगाने के लिए ना ग्लेस तैयार होती है, जो कि तैयार होती है जैम से, तो वो मैंने तैयार नहीं की थी। सिंपली मैंने जो है 2 टेबल स्पून हनी लिया था, उसे ब्रश की हेल्प से इस पर लगा दिया था। हनी लगाने से भी ये ना बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आपने इसको स्किप नहीं करना, आप भी इसको लास्ट में लगा के देखिएगा, और देखिएगा आपको कितना पसंद आएगा। और बिल्कुल ये बेकरी स्टाइल में बनेगा, कोई जज ही नहीं कर पाएगा आपने इसे घर में बनाया, और वो भी विदाउट ओवन बनाया है। तो चले जी, हनी हमने इस पर अच्छे से लगा दिया था। अब आपको दिखाते हैं ये किस तरह का लग रहा था। कलर आप इसका देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत आया है दिखने में। ये जितना अच्छा और टेस्टी लग रहा है ना, यकीन कीजिए टेस्ट में भी ये बहुत ज़बरदस्त था। मैंने इसको सर्व किया था चाय के साथ, तो आपने भी जो है इसको लाजमी करना है ट्राई, और मुझे बताना ज़रूर है। चलें जी, अब आपको इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। कट करने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितना सॉफ्ट है। तो देखें जी, अंदर से कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। तो आपने भी इसमें वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपका केक भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखें जी, आई होप आपको ठीक से नज़र आ रहा होगा। कलर आप इसका देख सकते हैं, कितना परफेक्टली जो है ये बेक हुआ है। अंदर से आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी है। तो लास्ट में इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक अपना लास्ट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।